हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हब यूट्यूब चैनल पे। आज हम WH फैमिली के कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जो हमारे रोज़ाना जीवन में इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है व्हाट। व्हाट का हिंदी में मीनिंग होता है क्या। यह सूचना पूछने के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हम हिंदी में आपका नाम क्या है को व्हाट इज़ योर नेम इंग्लिश में ऐसे पूछते हैं। आज से आप किसी का नाम पूछने के लिए व्हाट इज़ योर नेम इंग्लिश का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत आसान सा सेंटेंस है, मुझे लगता है आप सभी इससे फैमिलियर होंगे। आगे है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आगे है व्हेन। व्हेन का इस्तेमाल कब या जब दोनों के लिए किया जाता है। यह किसी समय के बारे में पूछने के लिए व्हेन का हम उपयोग करते हैं। तो व्हेन समय के बारे में, जब हम व्हेन किया कब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं When did he leave? वह कब गया। When did he leave? वह कब गया। When will we go? When will we go? हम कब जाएंगे। हम कब जाएंगे। When will we go? Next है when। When का इस्तेमाल जब के लिए जब किया जाता है। कैसे, यह भी समय पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई कैन गो ओनली आफ्टर वेन ही कम्स। आई कैन गो ओनली आफ्टर वेन ही कम्स, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। आगे है वेयर। वेयर का इस्तेमाल हम कहाँ के लिए करते हैं। यह किसी जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आगे है वाई। वाई का इस्तेमाल क्यों या क्यों के लिए किया जाता है। यह किसी कारण के पूछने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाई इज़ ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। वाई इज़ ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। आगे है वाई डू यू लाई। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप झूठ क्यों बोलते हैं। ठीक है। आगे है हुज। हुज का इस्तेमाल किसका या किसकी के लिए किया जाता है। यह मालिकाना हक पूछने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं Whose is this pen? Whose is this pen? यह कलम किसका है। Whose is this pen? यह कलम किसका है। अगर हमने किसी के पूछ रहे हैं Whose car is that? यह कार किसकी है। Whose car is that? यह कार किसकी है। आगे है which। which का इस्तेमाल हम कौन सा के लिए करते हैं, यानी कि किसी वस्तु में से पूछते हैं कौन सी चीज़। पसंद के बारे में पूछते हैं हम जब, तब विच का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। नेक्स्ट है विच इज़ बेटर, कौन सा अच्छा है। जब हम किसी दो या दो वस्तुओं से ज़्यादा किसी चीज़ को चुनते हैं तो हम पूछते हैं कौन सा अच्छा है, तो इंग्लिश में उसे विच इज़ बेटर पूछते हैं। आगे है हु। हु का मतलब है कौन या किसने। यह लोगों के बारे में पूछने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के बारे में पूछने के लिए। आगे है हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। होम का इस्तेमाल किसको, किसे या जिसे के लिए किया जाता है।
यह भी लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। देखते हैं, होम डिड यू सी, आपने किसे देखा। होम डिड यू सी, आपने किसे देखा। आगे है, होम डू यू वॉन्ट टू मीट, होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। आगे है, हाउ, हाउ का इस्तेमाल कैसे या कैसा के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कोई काम किस प्रक्रिया या किस तरीके से किया जाए होगा उसके बारे में हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आगे है, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। वट एवर, आगे है वट एवर। वट एवर का इस्तेमाल हम जो कुछ भी या जो भी के लिए करते हैं। वट एवर का इस्तेमाल जो कुछ भी जो भी हो सबके लिए हम वट एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहे करें, आप जो कुछ भी चाहें करें। आगे है, ईट वट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी खाएं। ईट वट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी खाएं। विच एवर, जो भी कोई सा भी या कोई भी, जो भी कोई सा भी या कोई भी, इन सभी के लिए विच एवर का इस्तेमाल हम करते हैं। देखते हैं, टेक विच एवर बैग इज़ योर्स, टेक विच एवर बैग इज़ योर्स, ले लो जो भी बैग आप तुम्हारा है, ले लो जो भी बैग तुम्हारा है, टेक विच एवर बैग इज़ योर्स। आगे है, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। आगे है, वैन एवर, वैन एवर का इस्तेमाल जब कभी, जब भी, जब कभी भी, इन सभी के लिए वैन एवर का इस्तेमाल हम करते हैं। देखते हैं, यू कैन कम वैन एवर यू वॉन्ट, यू कैन कम वैन एवर यू वॉन्ट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वैन एवर यू वॉन्ट, आप जब भी जब कभी चाहें आ सकते हैं। आगे, यू कैन कम वैन एवर यू वॉन्ट, यह वही आ गया, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। आगे है, यू कैन कॉल मी वैन एवर यू वॉन्ट, यू कैन कॉल मी वैन एवर यू वॉन्ट, तुम जब कभी चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी वैन एवर यू वॉन्ट। आगे है, वेयर एवर, वेयर एवर का इस्तेमाल जहाँ कभी भी, जहाँ भी या कहीं भी, इन सभी के लिए वेयर एवर का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, तुम जहाँ चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, तुम जहाँ चाहो जाओ। सिट वेयर एवर यू लाइक, सिट वेयर एवर यू लाइक, आप जहाँ चाहें बैठें, आप जहाँ चाहें बैठें। आगे है, हाउएवर, हाउएवर का इस्तेमाल हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी, इन सभी के लिए हाउएवर का इस्तेमाल होता है। आगे हम देखते हैं, हाउएवर आई नो दिस, हाउएवर आई नो दिस, फिर भी मुझे यह पता है, फिर भी मुझे यह पता है, इसका होगा हाउएवर आई नो दिस। हाउएवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउएवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। आगे है, हूएवर, हूएवर का इस्तेमाल कोई भी हो, कोई भी या जो कोई, इन सभी के लिए हूएवर का इस्तेमाल करते हैं। हूएवर कैन कम प्लीज़ कम, हूएवर कैन कम प्लीज़ कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। हूएवर कैन कम प्लीज़ कम।
नेक्स्ट हैगा हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल, हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल, जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है, हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल। ठीक है, आगे है हुम एवर जिसे, जिस किसी या जिसे भी, इन सभी के लिए हुम एवर का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे देखते हैं, यू कैन इनवाइट हुम एवर यू लाइक, यू कैन इनवाइट हुम एवर यू लाइक, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। आगे है, कॉल हुम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, कॉल हुम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आप जिसे चाहे कॉल करें, कॉल हुम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आप जिसे चाहे कॉल करें। दोस्तों यह है हमारे वीडियो के आखिरी सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस हमारे टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू ऑल।